दोस्तों, स्वादिष्ट खाना खाना कौन नहीं पसंद करता। किसी भी खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले की इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया की ज़्यादातर मसाले पेड़ों से ही बनते हैं, जैसे कि लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, यही सब। पर ये सब मसाला बहुत ही ज़्यादा महंगा है। आज मैं आपको ऐसे कुछ मसाले की प्रोसेसिंग वीडियो दिखाऊंगा, यानी कि ये सब मसाला कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, कार्डामोम, यानी कि इलायची। दोस्तों, इलायची के इस्तेमाल से खाने का स्वाद कितना बढ़ जाता है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है इसे कैसे प्रोसेस किया जाता है? इलायची असल में एक फल है। इसका जो पौधा है वो कुछ ऐसे दिखते हैं, हल्दी की पौधा जैसा, लेकिन ये उससे थोड़ा सा लंबा है। आप लोग जरूर जानते होंगे कि इलायची कितना महंगा मिलता है, क्योंकि इसका खेती करना इतना आसान काम नहीं है। पौधा उगाने के लिए पहले पके हुए इलायची से बीज निकाला जाता है, इसके बाद प्लास्टिक की छोटे छोटे पैकेट बनाकर सब में एक या फिर दो बीज डाला जाता है। कुछ महीने के बाद पौधा जब बड़े हो जाते हैं तब उसे पैकेट से उठाकर मिट्टी पर लगाया जाता है, लेकिन हर एक इलाकों में इसका खेती नहीं किया जा सकता। करीब एक साल के बाद पौधे में फूल खिलते हैं, तब तक उसे बड़ा करने के लिए बहुत सारे सार या फिर कीटनाशक देना होता है, क्योंकि इलायची की पौधे से भी इलायची की तरह खुशबू निकलते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं, इसलिए हर कोई इसका खेती नहीं कर सकता। फूल खिलने के कुछ दिन बाद इलायची में बदल जाते हैं। हर एक पौधे में लगभग 200 से 300 इलायची मिलता है। इसके बाद इसे तोड़ के धूप में सुखाया जाता है। सॉर्टिंग के बाद पैकेट बनाकर इसे बाजार में बेच दिया जाता है। भारत में 5 से 8 हज़ार रुपये पर केजी मिलता है। नंबर 2, सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी के बारे में आपको तो पता ही होगा, आपको ये भी पता होगा कि यह किसी पेड़ का छाल है, और इस पेड़ को ज़्यादातर साउथ इंडिया और श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही महंगा मिलते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसका खेती करते हैं, पर ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए ढेर सारे समय और मेहनत की ज़रूरत होता है। पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो एक रस्सी के सहारे उसकी डाली को बांध दिया जाता है। कुछ समय तक और बड़े होने के बाद इसकी छाल सख्त और मोटे हो जाते हैं। बाद में उसे काटकर एक ही साइज की छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, इसलिए बाजार में जो दालचीनी मिलते हैं वो एक ही साइज का होता है। इसके बाद छाल के ऊपर जो ब्राउन कलर की परत होते हैं उसे निकाला जाता है। आपको बता दें कि ये सब काम करने के लिए किसी भी मशीन की इस्तेमाल नहीं किया जाता, गांव के लोग अपने हाथों से ये काम आसानी से कर सकते हैं। ऊपर की परत निकालने के बाद उस डाली से छाल अलग किया जाता है। कुछ दिनों के लिए उसे धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और इसके बाद इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। अच्छे क्वालिटी की दालचीनी अलग से पैक किया जाता है और बाकी पड़े दालचीनी की डस्ट बनाकर उसे पैकेट किया जाता है, जो आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नंबर 3, वाइन क्रॉक। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे भी एक प्रकार की दालचीनी कहा जाता है, लेकिन इसे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी अलग काम है। बड़े बड़े पेड़ों से इसकी छाल निकाला जाता है, लेकिन इसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत है। कोई आम आदमी ये काम नहीं कर सकता, कोई मशीन नहीं, बल्कि कुल्हाड़ी के सहारे ये काम किया जाता है। इस पेड़ को बढ़ने में करीब 15 से 20 साल लग जाते हैं। इसके बाद सभी छालों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है और धूप में अच्छे से सुखाकर गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे वो छाल बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाते हैं। उसके बाद एक काटर की मदद से ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तैयार किए जाते हैं। आपको जरूर पता चल चुका होगा कि ये किस काम के लिए है, फिर भी आपको बता दूं कि इसे महंगे वाइन की बॉटल की क्रॉक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बॉटल में वाइन लोड होने के बाद उसे लगाने के लिए ऐसे क्रॉक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ट्रेडिशन कई सालों से चली आ रही है। लोगों का मानना है कि ये सबसे सही चीज़ है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
और इससे वाइन खराब नहीं होता। नंबर 4, क्लोव्स यानी कि लौंग। लौंग का जो पेड़ होते हैं वो दिखने में लीची की पेड़ की तरह है और इसकी फूल दिखने में काफी खूबसूरत है। कुछ दिनों के बाद वो फूल लौंग में बदल जाते हैं। बड़े होने के बाद इसे तोड़कर धूप में सुखाया जाता है। इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार की मसाला आइटम है। खाने को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसकी और भी कई सारे फायदे हैं। इससे कई सारे मेडिसिन भी बनते हैं। दांतों में दर्द या फिर गले की खराश के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लैबोरेटरी में बहुत सारे प्रोसेस के बाद इससे कई सारे मेडिसिन बनाया जाता है। नंबर 5, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च के बारे में तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी पौधा कैसे दिखते हैं? इस पौधे को आप घर में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को बढ़ने के लिए किसी बड़े पेड़ या फिर खंभे की मदद लेना होता है। पौधा बड़े होने के बाद उसमें ऐसा फल उगता है। कच्चे अवस्था में हरे रंग की है और पक जाने पर लाल हो जाते हैं। तब इसे तोड़कर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और ऐसे ही बनते हैं काली मिर्च। तो दोस्तों, कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से कौन सा प्रोसेस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इसकी पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।